Hello everyone, I am Pankaj, your Beyond Exams instructor, and let's get started. So last video में हम लोगों ने parallax बना लिया था, ये about us section integrate कर दिया था, we are an analytic platform, इसको थोड़ा सा highlight वाइलाइट कर दिया था. अब इस website को complete करने के लिए header में देखिए our services ये section हो गया, about us ये section हो गया, contact us का section एक है ये रहा, और our team का section है. तो लेट्स क्विकली गो हेड एंड आर टीम का सेक्शन बनाते हैं. इसके लिए हम लोग कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे, थोड़ा सा W3 स्कूल से हट के काम करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट गो एंड यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉल जो है इसमें अबाउट अस और कॉन्टैक्टस के बीच में ये आर टीम का सेक्शन ऐड कर देते हैं. इंडेक्स डॉट html देयर वी गो. ये रहा मेरा टॉप नैव का कोड, यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ ही गया होगा. तो ये रहा अबाउट अस, ये रहा कॉन्टैक्टस, कॉपी पेस्ट, यहाँ href चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं टीम, एंड यहाँ लिख देते हैं आर टीम. रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पे आर टीम आ गया, विच इज़ ग्रेट. मोबाइल व्यू में भी देख लेते हैं, यहाँ पे आर टीम दिख रहा है, सुपर. अब आर टीम का सेक्शन बनाना है. तो आर टीम का सेक्शन यार एक तो हो गया W3 स्कूल से, फिर से कोई कॉम्पोनेंट देखा जाए, राइट. W3schools.com/how-to पे गए और देख लिया टीम से कोई सेक्शन दिख रहा है क्या, मीट द टीम का ये रहा सेक्शन, यहाँ से टेप सकते हैं. दी अदर थिंग इज़ कि यार W3 स्कूल से ही सब कुछ कॉपी कर रहे हैं, वो क्या दुनिया में और कोई कुछ नहीं है W3 स्कूल्स के अलावा? मे बी देर इज़ सम कॉम्पोनेंट दैट यू नीड जो W3 स्कूल्स में हो ही ना, वॉट देन, राइट. तो अब आज हम लोग एक और ऐसी वेबसाइट दिखेंगे विच इज़ CodePen, ठीक है. CodePen वेबसाइट क्या है, जिस तरह W3 स्कूल्स में कुछ कोड इन्होंने खुद से डाल रखे हैं, वैसे ही CodePen इज़ एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे दुनिया में कोई भी अपना कोड ओपनली शेयर कर सकता है, अपना फ्रंट एंड का UI दिखा सकता है. तो हम लोग गए CodePen.io पे, इसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको रीडिंग मटेरियल पे भी मिल जाएगी. एंड यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग में बहुत कूल कूल चीज़ें बनी हुई हैं, लेट्स क्लिक ऑन सम ऑफ देम टू सी कि लोगों ने रिसेंटली क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं, एंड यू विल रियलाइज़ कि CodePen क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, ये भी खोल लिया, और क्या खोलें, कुछ मस्त सी चीज़ मिले, लेट्स ओपन दिस वन. ठीक है, तो कुछ ट्रेंडिंग जो इनके CodePen के कोड हैं वो देख रहे हैं. यहाँ पे क्लिक किया तो एक कोड देखो ये मिला, इसको CodePen का UI एक बार समझा दे रहे हैं जल्दी से. ये तीन ऑप्शंस हैं, व्यू एंड एडिटर, क्लिक किया तो ये एडिटर में आपको यहाँ पे HTML, CSS, JavaScript तीनों का कोड दिखा देते हैं. अब इसमें हम लोग ने बताया था ना कि और भी, जैसे एक तो हो गया सिंपल HTML, CSS, JavaScript, एक हो गया उसके ऊपर फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आपका कोड इजी बना देते हैं, जैसे React फ्रेमवर्क है JavaScript का. तो यहाँ पे देखिए SCSS ब्रैकेट में लिखा है, Babel लिखा है, तो ये सब रैपर्स हैं, पैकेजेस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं CSS और JavaScript से ऊपर के. बट लेट्स सी इनका आउटपुट कैसा दिखता है. तो ये देखो ये कूल सा बहुत दिख रहा है, वाओ बहुत ही प्यारा लग रहा है, राइट. और ये सिर्फ कोड से इन्होंने किया है, और ये इसका सिंपल सा कोड है. एंड आप देखो HTML इसमें पूरी एम्प्टी है, सब कुछ CSS और JavaScript से इन्होंने किया है. बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको आगे बढ़ते हैं. भी ये देखिए ये एक और कोड है, इसको भी व्यू एंड एडिटर क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं. बट ये देखो ये इन्होंने पूरी वेबसाइट बना रखी है, टेबल बटन्स हैं, PWA, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. देखिए कैसे ये स्विच कर रहा है, ये यहाँ पे गए और ये स्टिक कर गया, ये देखिए ये स्टिक कर गया यहाँ पे. और जब स्क्रॉल कर रहे हैं ये देखिएगा किस तरह मूव कर रहा है, ये देखिए बहुत सही मूव कर रहा है, एंड सो ऑन. काफ़ी कुछ है इसमें मस्त मस्त चीज़ें, इसको भी बंद कर देते हैं. ये देखिए अगर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कॉम्पोनेंट्स चाहिए, जैसे ऑन ऑफ, ये क्लॉक आपको अपनी वेबसाइट पर लगाना है, प्ले पॉज का बटन लगाना है विद दिस एनिमेशन इफेक्ट, ये देखिए स्क्रॉल बार चाहिए, ऐसे बटन चाहिए मस्त मस्त से, कुछ भी ऐसा फीचर चाहिए जैसे टैब स्विच, तो इनको इस इनके कोड से आप देख के ले सकते हो, राइट. पूरा कोड इनका दिख जाता है. एंड सिमिलरली और देखते हैं ट्रेंडिंग में क्या है, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीज़ हो जाती हैं. ये देखिए पूरा एक बढ़िया सी वेबसाइट, टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वीम्स आपने यूज़ किया हो तो ये बहुत बढ़िया सा लग रहा है, बटन्स एंड सब कुछ वर्किंग, नाइट मोड भी है इसमें, वाओ वेरी नाइस. और देखें क्या है, ये प्रोजेक्ट शोकेस कर रहा है कोई अपना, वेरी नाइस. तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपको ऐसे चीज़ें दिख जाती हैं. If I open this one, let's see और क्या है, ये क्या दिख रहा है, अर्थ टाइप कुछ अमेजिंग दिख रहा है, स्पेस ग्लोब,
वाओ, ये पूरा, ये देख रहे हो आप, ये माउस से मैंने मूव हो पा रहा है, ये पूरा HTML CSS, और इसको जूम भी कर सकते हैं। वाओ, ये पूरा HTML CSS और JavaScript यूज़ करके बनाया गया है। तो इट इज़ रियली अमेजिंग वॉट पीपल आउट देयर हैव डन, एंड यू कैन लर्न इट टू बाई स्टडिंग देयर कोड। ठीक है, तो ये हो गया कोड पेन के बारे में थोड़ा, काफ़ी कूल कूल चीज़ हम लोगों ने देख ली। तो लेट्स गो बैक, आज हम लोग कोड पेन के थ्रू ही आर टीम वाला सेक्शन बनाएंगे। तो लेट्स क्विकली सर्च कोड पेन आर टीम सेक्शन। ठीक है, जब इसको सर्च किया तो गूगल पे इमेजेस में जाते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी, और ये सारे बिकॉज हम लोगों ने कोड पेन लिख रखा है तो ये कोड पेन का ही सारे लिंक्स होंगे। ये देखो आप, कोड पेन लिखा हुआ है, तो इसमें जो इमेज आपको बेस्ट लगे वो आप देख सकते हो। जैसे कि अगर ये वाली अच्छी लग रही है तो इसको खोल लेते हैं। जैसे ही खोलेंगे तो आपको ये सेक्शन दिख जाएगा, इसका देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, कैसे देखें। और इसका कोड भी यहाँ पे दिख रहा है एक बार, यहाँ पे देखिए ये बटन है, इसको क्लिक किया, एडिटर व्यू है जिसमें कोड भी दिखता है, एंड एक फुल पेज व्यू होता है। फुल पेज व्यू में कोड वोड हट जाता है फुल स्क्रीन पे, जिस तरह आपकी वेबसाइट दिखती है ये उसी तरह इन लोग की वेबसाइट दिखेगी पूरी। इसको इन मोबाइल व्यू पे देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये मोबाइल व्यू पे भी बढ़िया दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ ग्रेट। ऐसा ही कुछ हम लोग को चाहिए। वाओ, काफ़ी अच्छा एनिमेशन भी है इनका, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, तो दिस इज़ ग्रेट। लेट्स सी कि इसको ले सकते हैं क्या। अब एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स पे जाओ तो प्री प्रोसेसर नहीं लिखा है। CSS में भी कोई प्री प्रोसेसर देखो आप यहाँ पे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, HTML में प्री प्रोसेसर, जावास्क्रिप्ट में भी प्री प्रोसेसर या एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स, ये लिखा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टाइल शीट ऐड की हुई है ना, ये रहा हेड में, और वैसे ही एक और स्टाइल शीट ऐड की थी ये वाली फॉन्ट ऑसम। तो ऐसे ही बहुत सारी और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की, CSS की, और जैसे अभी देखा था SCSS और बैबल प्री प्रोसेसर्स हैं, रैपर्स हैं, तो ये सब अगर यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने वो सब सीखा नहीं है। तो अगर किसी भी तरह का ऐसे प्री प्रोसेसर या एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ की है तो अभी आप उस वैसे कोड्स को अवॉइड करिएगा, बिकॉज वो अभी आप लोग यूज़ कर नहीं पाएंगे अपने कोड में। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर ये कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी ना यूज़ कर रहे हो सेटिंग्स में जाके, नहीं कर रहे हैं ग्रेट। इनका कोड भी देख लेते हैं, तो देखो ये CSS आपको समझ में आ रही होगी, पी टैग ए टैग H1 में मार्जिन पैडिंग 0 कर रखी है, एंड कहीं भी जाओ आप तो फॉन्ट साइज़ कलर बॉर्डर रेडियस इन्हीं सब चीज़ों से किया हुआ है। HTML का कोड भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, हेड में इन्होंने रैंडम चीज़ें दी हुई हैं, बॉडी में इन्होंने सेक्शन और डिव का यूज़ करके ये पूरा बनाया हुआ है। आर एक्सपर्ट्स, ये आर एक्सपर्ट्स है ना, तो ये मे भी कॉपी कर सकते हो। बट वन थिंग टू नोटिस इज, एक तो हो गया सेटिंग्स भी हम लोगों ने देख लिया एक्सटर्नल CSS या जावास्क्रिप्ट यूज़ किया कि नहीं। एक इनके कोड में देखो, इन्होंने लिंक टैग यूज़ करके रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए स्टाइल शीट टाइप की, कोई CSS इंक्लूड किए। क्या CSS इंक्लूड किए, एक तो फॉन्ट ऑसम, ये हम लोग के पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉन्ट ऑसम है कोई दिक्कत नहीं है। बूटस्ट्रैप इन्होंने ऐड किया हुआ है, एंड लेट मी टेल यू कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, ये आपने नाम सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। तो बूटस्ट्रैप एक CSS की लाइब्रेरी है जो आपको बहुत इजी बना देती है बहुत ही अमेजिंग चीज़ें बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक पूरा वेब पेज बनाना है, प्रोडक्ट पेज बनाना है, कैरोसेल बनाना है, ग्राफ बनाना है, कोई भी कार्ड बनाना है, कोई भी चीज़, इसके डॉक्स में भी आप जाओ तो आपको यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग, जैसे ग्रिड व्यू में व्हाट्सएप बनाना आपने सीखा तो बूटस्ट्रैप से बहुत ईजी हो जाता है व्हाट्सएप बनाना, व्हाट्सएप टाइप UI बनाना। अगर फॉर्म आप बना रहे हो तो फॉर्म बनाना इतना सुंदर सुंदर बहुत ही ईजी कर देता है। अगर किसी टाइप का आप कार्ड बना रहे हो, जैसे कि ये ऐसा सेक्शन बना रहे हैं जो सुंदर सा दिखे, एनिमेशन हो, ये सब बूटस्ट्रैप बहुत ईजी कर देता है। पहले से बहुत सारी CSS वो लिख देता है, ऑल यू हैव टू डू इज़ राइट दी अप्रोप्रिएट क्लासेस, और बूटस्ट्रैप खुद CSS लिख देता है। तो ये देख रहे हो आप, अराउंड 40 लाइन्स के कोड में आपने कोई CSS नहीं लिखी, बट सिर्फ HTML का ये कोड है, HTML के कोड से ये पूरा इतना सुंदर सा अकॉर्डियन बन गया, ये ड्रॉप डाउन वाला सेक्शन बन गया जिसमें हाईलाइट भी हो रहा है, एनिमेशन भी थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल पे हो रहा है, एंड सो ऑन, राइट। तो बूटस्ट्रैप ये सारी चीज़ें बहुत ईजी कर देता है। कभी कभी आपको ऐसे अलर्ट्स अगर लाने हो तो ईजिली आ जाएंगे, ऑल यू हैव टू डू इज़ सिर्फ क्लास डाल दो। कार्ड, अगर तुम्हें ये कार्ड व्यू बनाना है जिसमें इमेज हो, टेक्स्ट हो, लिंक्स हो, राइट,
तो ऐसे करने के लिए आपको बॉक्स शैडो और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, बट बूटस्ट्रैप यूज़ करके ये सिर्फ 6 लाइन के कोड में हो जाएगा। द तो इट इज़ सपोज टू बी वेरी पावरफुल, बट ऑलमोस्ट एवरी गुड डेवलपर अवॉइड्स यूजिंग बूटस्ट्रैप। वाई? ये इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, इसके लिए आपको एक और वीडियो हम रिकमेंड कर देंगे वाई यू शुड नॉट यूज़ बूटस्ट्रैप। बट इन शॉर्ट, कोडपेन या फिर कोई भी कोड है जिसमें बूटस्ट्रैप यूज़ हो रहा है उसको आप मत यूज़ करिए। तो यहाँ पे दिख रहा है बूटस्ट्रैप यूज़ हो रहा था, तो इवन तो ये कॉम्पोनेंट बहुत अच्छा लग रहा है, वी विल नॉट यूज़ इट। ठीक है, बाद में हो सकता है एडवांस लेवल पे आप जाओ तो आप खुद समझ जाओ कि इसको कैसे खुद से बना सकते हैं बिना बूटस्ट्रैप यूज़ किए हुए, बट फॉर नाउ वी विल अवॉइड इट। तो अगले पे चलते हैं, आर टीम, ये वाला सेक्शन भी बड़ा प्यारा लग रहा है, इसको खोलते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी तो नहीं है, नहीं है। CSS में है, क्या है? बूटस्ट्रैप। तो देख लो अब ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे बूटस्ट्रैप से ही बनी हैं, ये भी बढ़िया लग रहा था बट क्योंकि बूटस्ट्रैप से बना है तो हटा देते हैं। तो अब कैसे फाइंड करें वो चीज़ें जो बूटस्ट्रैप से नहीं बनी हैं? गूगल पे आप लिख दो माइनस बूटस्ट्रैप, तो क्या होगा, गूगल रिकग्नाइज कर लेगा कि यू डोंट वॉन्ट बूटस्ट्रैप वाली चीज़ें, और अब जब आप सर्च करोगे तो इट विल ओनली डिस्प्ले थिंग्स जिसमें बूटस्ट्रैप ना यूज़ हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब बूटस्ट्रैप वाले एक दो सेक्शंस रहे होंगे जो हट गए होंगे। तो अब देखते हैं कौन सा यूज़ करना है। ये अच्छा लग रहा है, ये एक सिंपल सा अच्छा सा है, एंड इसमें देख लेते हैं कि कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी तो यूज़ हुए है। फिर से खोला, स्पर्श कोड्स का ये कोड लग रहा है, वेरी नाइस। इसको देखते हैं, यूजिंग HTML एंड CSS, ग्रेट। कार्ड्स व्यू है, इमेज है, टेक्स्ट है, सब परफेक्ट है। तो सेटिंग्स में जाके एक बार देख लेते हैं, कोई प्री प्रोसेसर नहीं है CSS में, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं है, जावास्क्रिप्ट में भी कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं है। इसके HTML में देख लेते हैं, कुछ लिंक तो नहीं है, सिर्फ स्टाइल्स लिंक किए हैं इसने यहाँ से यहाँ, परफेक्ट। तो इन्होंने कुछ भी लिंक नहीं किया है, कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं यूज़ की है, दिस इज़ समथिंग आई कैन कॉपी पेस्ट। जिस तरह W3 स्कूल्स में भी ये लोग डायरेक्ट HTML CSS JavaScript का कोड लिखते थे, एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं यूज़ करते थे, सिमिलर टू दैट ये भी हो गया। अब एक बार देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, बिकॉज अगर रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ तो मोबाइल व्यू में नहीं दिखेगा। अच्छा तो लग रहा है, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, मोबाइल व्यू पे गए, छोटा किया, ओके। तो ये छोटे होने पे छोटा हो रहा है और धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा भी हो रहा है, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट। तो दिस इज़ परफेक्ट, ये कॉम्पोनेंट हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एडिटर में व्यू किया, तो ये वीडियो अभी लंबी हो गई बिकॉज हम लोग थोड़ा सा कोडपेन और W3 स्कूल समझ रहे थे, बट लेट्स क्विकली गो अहेड। जिस तरह W3 स्कूल्स में करते थे उस तरह यहाँ पे भी करते हैं। सबसे पहले ये पूरा CSS का कोड उठाया, कॉपी किया। अब देखिए यहाँ पे सब लोग बॉडी पे CSS लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर के लिए, फॉन्ट फैमिली के लिए, डिस्प्ले के लिए एंड स्टफ लगा देते हैं, बट अवॉइड किया करो, बहुत सारे बॉडी पे CSS लगी रहेगी तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो जल्दी से styles.css पे जाते हैं, सबसे नीचे गए, यहाँ पे कमेंट किया आर टीम्स CSS सेक्शन। ठीक है, इसके नीचे पूरा पेस्ट कर दिया, CSS पेस्ट कर दिया। लेट्स क्विकली गो अहेड, HTML भी पेस्ट कर देते हैं। पूरा HTML नहीं पेस्ट करना होता है, सिर्फ जो बॉडी के अंदर होता है वो सेक्शन जो दिखता है, क्योंकि हेड में तो वो होता है ना मेटा इन्फॉर्मेशन, वो सब नहीं करना है, सिर्फ बॉडी के अंदर वाला सेक्शन उठाया, टेपा, अपने कोड पे गए, index.html पे सबसे नीचे गए, ये स्क्रिप्ट टैग सबसे नीचे जो लिखा है वो सबसे नीचे ही लिखे रहने दो। पैरालेक्स डेमो, ये कहाँ पे डालना है हम लोग को? अरे बाप रे, अभी देखते हैं क्या हो गया इसको। ओह नो, कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो आई थिंक इसकी वजह से हुआ होगा, जो बॉडी और स्टार इन्होंने कर रखा है इसको हटा देते हैं। ओ भाई सही हो गया। तो देखा आपने, यही हम कहे थे कि अगर ये शुरुआत में जो बॉडी टैग पे इन्होंने लिख रखा है डिस्प्ले फ्लेक्स, तो अगर आपने CSS थोड़ी सी पढ़ी होगी तो यू विल रियलाइज़ कि फ्लेक्स का मतलब होता है वो अलाइन हो जाए लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स किया बॉडी पे तो पूरा UI हम लोग का ब्रेक हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी और ये जो स्टार होता है ये दोनों चीज़ें आप हटा दो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इससे, बस फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका कोड पहला पुराना ब्रेक नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज बॉडी पूरे बॉडी पे, पूरे वेब पेज पे अप्लाई कर देती है CSS को। ग्रेट। HTML, आर टीम्स का HTML कहाँ डालना है? सबसे नीचे नहीं डालना है, हम चाहते हैं कि जैसे अबाउट अस था तो इस ब्लॉक में डाल दिया था हम लोग ने, राइट?
वैसे ही जो आर टीम है वो इस ब्लॉक में दिखे, सबसे नीचे दिख के क्या करेगा? तो जल्दी से चलते हैं, आर टीम वाला कोड ये देखिए पैरेलेक्स है, ये आर टीम वाला पैरेलेक्स ये रहा, और इसके बाद ये पैरेलेक्स डेमो है, ये देखिए यहाँ पे पैरेलेक्स डेमो लिखा है इसके नीचे, राइट। तो आर टीम के नीचे ये रहा पैरेलेक्स डेमो, ये रहा। तो ये तो डिव कंटेनर होता है, डिव कंटेनर रखे रहते हैं आउटर वाला, जिससे ये वाइट बैकग्राउंड रहे। इसके अंदर जो कंटेंट है, क्या कंटेंट? पैरेलेक्स डेमो और ये जो टेक्स्ट लिखा है, पैरेलेक्स डेमो और ये जो टेक्स्ट लिखा है, इसके बजाय अभी जो यहाँ से कॉपी किया कंटेंट, इसको पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी ये चल पा रहा है कि नहीं। रिफ्रेश किया तो अबाउट अस आर टीम, आर टीम में आर टीम दिख गया, एंड ये परफेक्टली काम कर रहा है। लेट्स सी मोबाइल व्यू में भी काम कर रहा है क्या? सुपर, मोबाइल व्यू में भी काम कर रहा है, दैट्स इट यार। तो जिस तरह डब्ल्यू थ्री स्कूल्स में आपने देखा, उसी तरह कोड पेन से भी आप कोड कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे रैंडम कोई भी इंसान किसी भी फ्रेमवर्क का कोड कॉपी पेस्ट कर सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि एक्सटर्नल लाइब्रेरीज ना यूज़ कर रहा हो, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज वाले कोड अभी आप इक्विप नहीं है हैंडल करने के लिए। बट सबसे जो अमेजिंग कोड्स होते हैं, जैसे ट्रेंडिंग में आपने देखा ये ग्लोब और ये सब बेसिक एस्टिमेंट्स इसे जावास्क्रिप्ट से नहीं बन सकते, इसके लिए कोई ना कोई रैपर यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ना कुछ रैपर तो यूज़ किया होगा आई थिंक, ये देखिए कुछ कुछ यूज़ किया हुआ है इन्होंने, राइट। बट ये लग बहुत अच्छा रहा है, तो वेरी सून वी विल लर्न कि ये सब चीज़ें भी कैसे करते हैं। लेट्स सी वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। बट इन शॉर्ट, आपके पेज पे अब आप डब्ल्यू थ्री स्कूल से आगे बढ़ चुके हैं, अभी तक सब कुछ आपने डब्ल्यू थ्री स्कूल से इंटीग्रेट किया था, नाउ सडनली यू आर स्टार्टिंग टू इंटीग्रेट अदर कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम अदर वेबसाइट एज वेल, तो यू आर ग्रोइंग एज अ वेब डेवलपर। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी कि अपने पेज को और ज़्यादा पर्सनलाइज कैसे कर दें, सेक्शन को भी और पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं। आई होप यू एन्जॉयड दिस। यू कैन ऑल्सो ट्राई कि आप आर टीम में ये वाला ना यूज़ करके कोई और कोड पेन का सेक्शन यूज़ करो, बस आप ध्यान रखना कि कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी ना यूज़ हो रही हो। That's it everyone. Have a nice day. Goodbye. Jai Hind.